नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अब मैं देखने वाली हूँ कि जो आपके जो पार्टनर हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या वो आपके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे। बहुत दिन हो गए हैं आपके लिए रीडिंग नहीं मैंने की है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड हैं, पछतावा है, दुखी है अंदर से ये इंसान। ठीक है, और इसकी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसको ये अभी दिखाई दे रहा है। और लेकिन अभी भी प्यार है, प्यार इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और इसको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। जो ख़त्म हुआ है इसका ध्यान उस तरफ है, लेकिन इसको अभी भी वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये इससे बाहर निकलता है दुख से, तो इसको रास्ता दिखाई देगा, आपका प्यार दिखाई देगा, जो कि इसको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। ये इसकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है। और इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखिए। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये सेलिब्रेट करना चाहता है आपके साथ भी, थर्ड पार्टी के साथ भी, और तब ये खुश रहना चाहता है। यहाँ पे दो इंसान ऐसे भी हो सकते हैं कि आप और ये इंसान सोलमेट हैं, या ये बहुत ही गहरे सोलमेट होते हैं जिनकी आत्मा का पेमेंट ऑफ रीडिंग आ जाती है। तो फिर उधर से मैसेज, एक मिनट देखिए, ये जो थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ खुश रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि दो ऐसे कपल हैं यहाँ पे जिनका सोलमेट रिश्ता है बहुत ही गहरा, या ट्विन फ्लेम रिश्ता भी है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये शादीशुदा है, इसमें आपकी एनर्जी बहुत प्योर है ऐसा लग रहा है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है ये यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ये उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में देखो कुछ भी चल रहा है उसमें भी ये खुश नहीं रहना चाहता। अगर खुशी है इसकी तो आपके साथ है। जो भी इंसान इसके साथ कार्मिक पार्टनर या इसके साथ सोलमेट पार्टनर या कोई भी है, तो उनके साथ भी अगर इसकी खुशी है जब आप होते हैं तब तक खुशी है उनके साथ भी। उसके बाद आपके जाने के बाद जब आपने इसे मन से उतार दिया, जब आज मैंने चैनलिंग की थी ना, चैनल के द्वारा क्या आया था उसमें कि आपने इसको छोड़ दिया है। जब आपने इसको छोड़ा है तो इसकी एनर्जी में देखो ये बहुत दुखी है, इसको प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए, ये जा रहा है बस, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कहीं, यही इसकी ज़िंदगी में इस टाइम चल रहा है। ठीक है, और मैं देख लेती हूँ आपके लिए इसकी करंट फीलिंग क्या है। आपको ये क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में देखता है, आपको एक साइकिक पावर के उसमें देखता है कि आपके पास दिमागी शक्ति बहुत है, बिल्कुल है आपके साथ, क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रही हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, इस इंसान को छोड़ रही हैं, और प्यार में आपके लिए कोई मतलब कि अब उतना प्यार आपके लिए नहीं है कि भी मुझे कोई प्यार करे, नहीं नहीं, आप खुद में ही कंप्लीट हैं और आपको अब किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यह इंसान सोच रहा है। इसको डर है कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, और आप अब किसी की नहीं सुनते, ना ही आप छोटे इंसान की सुनते हो, ना ही आप किसी बड़े इंसान की सुनते हो। अब आपको क्या करना है, आपको कैसे आगे चलना है, ये आप अच्छे से जानते हो, और प्यार आप सबको बराबर दे रहे हो, छोटे इंसान को भी बराबर दे रहे हो और बड़े इंसान को भी प्यार दे रहे हो, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, ऐसा ये इंसान आपको देख रहा है, आपके बिहेवियर में बदलाव देख रहा है, और ऐसा ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। और ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप देखिए, आप एक ऐसी फीमेल हैं, ये इंसान आपको ऐसे उसमें देखता है कि आप जस्टिस के साथ काम करती हैं, आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती, न्याय आपको पसंद है, आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, ये इंसान अच्छे से जानता है। झूठ की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, और आपको सच, चाहे कड़वा हो लगता है ना सच, लेकिन सच हमेशा सच रहता है। ठीक है ना, वो थोड़ी देर के लिए चीज़ें ख़राब कर ज़रूर हो जाती हैं, उससे बातें बिगड़ जाती हैं, लेकिन सच सामने आ जाता है, वही संतुष्टि हो जाती है कि हाँ इसने सच बोला है। ये इंसान सोचता है कि आप ऐसा सोचते हो, ठीक है, और आपको जस्टिस पसंद है, दूसरों को देना भी और ख़ुद को भी जस्टिस। और ये जो इंसान आपको किसी ऐसे इंसान का साथ आपको मिल रहा है इस टाइम, जिससे ये इंसान बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ये,
ऐसे इंसान का साथ मिल रहा है जो वाकई मैस्कुलिन एनर्जी है जिसकी, कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपके पापा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी जिनकी शादी हुई हुई है वो हो सकते हैं, या कोई आपका ऐसा इंसान जो उस जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसका साथ आपको मिल रहा है, और ये इंसान भी मैस्कुलिन एनर्जी में आपके पास वापस आना चाहता है। ठीक है, ये इस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? ये इंसान आपको, देखो आपको विश्वास रखना पड़ेगा, इस इंसान ने विश्वास रखा हुआ है कि ये रिश्ता मैं सही कर दूंगा, इस रिश्ते को मैं अपने हिसाब से चला लूँगा, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, प्योर इंसान हैं, सच्चाई आपके अंदर भरी हुई है, और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी किसी भी उसका सामना कर सकते हैं, परेशानियों का सामना कर सकते हैं। ये इंसान सोच रहा है कि इसने अपने प्यार को पाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं और उस प्यार की मैंने कदर नहीं की, और आज ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है, अपने घमंड की वजह से भी ये इंसान पछता रहा होगा। भगवान आपको इस रिश्ते में क्या कहना चाहते हैं? भगवान आपको कहना चाहते हैं बस आप ऐसे ही अकेले आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे, एक सुख आपको आता चला जाएगा, ये इंसान पूरी तरीके से बदल के आपके पास आना चाहता है। भगवान आपको यही कहना चाहते हैं, जितना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे इस इंसान से दूरियां बनाते रहेंगे। देखिए, अटैचमेंट और डिटैचमेंट में बहुत फ़र्क होता है, जब हम किसी को जाने देते हैं तो वो इंसान हमारी तरफ आकर्षित होने लग जाता है और हमें पाने के लिए उसके अंदर एक तड़प हो जाती है। बस यही तो रखना है, उसको वापस जान भाई तुम जाओ, जाने के लिए भी मत कहना है, बस उतना उससे दूरी बना लो, अपने मन को उससे हटा लो। ठीक है, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, आपको सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। अबंडेंस किस चीज़ की? पैसों को लेके, रिश्तों को लेके, घर परिवार को लेके, बहुत सारी चीज़ें। और ये भी होता है ना, आपका जो माइंड है वो काफ़ी समय से परेशान था, तो उसकी भी हीलिंग होगी, ये भी खुशी में ही आती है। ठीक है, खुशी बहुत, देखिए शारीरिक खुशी जिसको होती है उसको हर खुशी मिल जाती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, उसको सही करो और धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आने लग जाएंगी। भगवान आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आने वाला है, ऐसा आपको पता यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो ये थी आपके लिए आज की करंट एनर्जी। मैं करंट एनर्जी पर बहुत कम वीडियो डालती हूँ, ट्विन फ्लेम को लेकर मैं ज़्यादा वीडियो बनाती रहती हूँ। ठीक है, वो भी ट्विन फ्लेम एनर्जी में जब चेक करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी में चेक क्यों करती हूँ? क्योंकि जब हमारे अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जब एक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब हम अपने चक्राओं पे काम कर लेते हैं तो वो जो इंसान, कोई भी इंसान है, वो क्या करता है, कुछ भी, अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें अपने अंदर सुधार करनी पड़ती है, तब जाके हम ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी को हम देखते हैं कि हाँ, हमने इस जर्नी में क्या क्या किया है, कैसे हमने अपने आप को ठीक किया है, कैसे बैलेंस में लेके आए हैं, कैसे हमने क्या क्या छोड़ा है, किन किन चीज़ों से हम बाहर आए हैं। ये सारी चीज़ें जब हम सीख जाते हैं, और बहुत साल लग जाते हैं, जैसे मैं आपको कहती हूँ इनर वर्क करिए, इनर वर्क करिए, इनर वर्क ही सब कुछ होता है इस जर्नी में। ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला है कि इस मंथ की वीडियो बना दीजिए, जून के मंथ की, कि जून का महीना कैसा रहेगा, तो मैं कल लेके आऊँगी उस वीडियो को डालने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बहुत कम वीडियो मैं बनाती हूँ, और तो उसमें देखते हैं कि आपका महीना कैसा रहेगा, एक सिंपल वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, ओरेकल डेक का भी हम इस्तेमाल करेंगे उसमें। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।